सो हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एक नई चीज देखेंगे कि अगर हम जो है design.tgm infotech के ऊपर अगर हम क्रिएटर बनना चाहें, अगर आप इस पे जाओगे ना, इस वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको एसेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूज करना चाह रहे हो आप यूज कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड करना चाह रहे हो डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर अपना डिजाइन जो है डालकर देखना चाहते हो कि आपको क्या मिल रहा है, कि अगर आप उसको डाल के देखना चाह रहे हो तो आप आराम से जो है यहाँ पर डाल सकते हो, आपके डिजाइन को सेल कर सकते हो अपने डिजाइन को। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आ जाना है आपको design.tgminfotech.com पर, तो आपके पास में ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। हो सकता है इस टाइप में वाइट थीम में हो, तो आपको जैसे भी आप प्रेफर है तो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर काफी अच्छे एसेट्स मिल जाते हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ जाकर ऊपर लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, और फिर आपको यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट ईमेल डाल सकते हैं या फिर आप सीधा गूगल लॉगिन करते हैं। तो अब मैं जो है यहाँ पर गूगल लॉगिन ही करने वाला हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये मैंने मेरी आईडी से जो है लॉगिन कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर मेरी आईडी से लॉगिन हो चुका है, या देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जाना है सीधा माय अकाउंट के अंदर में। जैसे आप माय अकाउंट में आएंगे, ठीक है, यहाँ आपको आपका नाम फिलअप कर लेना है। दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, प्लीज़ इसको फिलअप कर लेना। पहली, आईडी तो ऑटोमेटिक जो आपने डाली होगी वो ऑटोमेटिक आएगी, आईडी आप एडिट नहीं कर सकते, ईमेल आईडी। हाँ, नेम ज़रूर से आप डाल लें, फ़ोन एड्रेस आपके ऊपर है, आप डालना चाहे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अपना पासवर्ड चेंज करना है आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर लेट्स से हमने यहाँ पर जो है कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, तो आपका जितनी भी सब्सक्रिप्शन हैं उसका क्या स्टार्ट डेट रही है, क्या एंड डेट रहा है, कितना अमाउंट वगैरह, ये जो भी स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर अगर आपने कुछ डाउनलोड्स किया है तो वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट्स अगर आपने कुछ बनाई की हैं, लाइक अगर आपने जो है कोई एसेट परचेज किया है तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट की है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ लास्ट में आता है क्रिएटर, तो अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे सेम पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएटर की जो पॉलिसीज है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है अच्छे से, एंड जब पढ़ लें देन उसके बाद बी ए क्रिएटर पर क्लिक करें, तो आपके पास में ये चेकबॉक्स आएगा, उसको क्लिक कर दें। ठीक है, चेक करने के बाद अगर आप इसको चेक नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना होगा, देन उसके बाद में बी ए क्रिएटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे क्रिएटर डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब आपके पास में अब जो है आपका क्रिएटर पैनल एक्टिवेट हो चुका है, अब आप एक क्रिएटर बन चुके हैं। यहाँ पर अब आपके पास में जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पर आपके पास में लास्ट 7 डेज की स्टैटिक्स और लास्ट 28 डेज के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ट्रैफिक हो, सेल हो, पोस्ट आपने कितनी जो आपकी लाइव हुई हैं वो हो, या लाइक्स हो। ठीक है, आपकी पोस्ट को कितने लाइक्स मिले, सब कुछ आपकी कितनी माय पोस्ट, यानी कि जितनी हमारे जो है पोस्ट सामने डिस्प्ले हो रही हैं वो कितनी है। फॉर अप्रूवल, अच्छा याद रखना, अगर आप कोई भी क्रिएटर पैनल के अंदर अगर आप कोई पोस्ट अब चढ़ाते हो तो वो डायरेक्टली पब्लिश नहीं होगी, उसके लिए वो पहले फॉर अप्रूवल में जाती है, यानी कि अप्रूवल के लिए जाती है। तो वहाँ पर जो डिज़ाइन की जो टीम है वो वहाँ पर उसको जो है अप्रूव करती है, उसको रिव्यू करके देन अप्रूव करती है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट यहाँ पर सामने डिस्प्ले होती है। ठीक है, और सेम रिजेक्टेड पोस्ट, यानी कि कितनी पोस्ट आपकी रिजेक्ट हुई है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। कितना आपका पे आउट अमाउंट रहा है आज तक, यानी कि आपने कितना सारा अमाउंट यहाँ पर निकाल लिया है, और आपका कितना अमाउंट अभी भी आपके अकाउंट के अंदर पड़ा है। तो अभी आपका सब कुछ जीरो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल में। तो यहाँ पर फिर आता है सेल्स। सेल्स के अंदर आपको क्या, लेट्स से अगर आपने कोई ऐसा बैनर डाला है जो कि प्रीमियम था, यानी कि उसको परचेस करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपके पास में यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके पास में क्या ट्रांजैक्शन आईडी रही थी, क्या इमेज थी, है ना, एसेट क्या था, स्टेटस, अप्रूव, अमाउंट्स पेड, ब्रेकअप वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर माय पोस्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास में जितना आपकी जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जो आपकी सामने लाइव हो चुकी है। फॉर अप्रूवल में यहाँ पर आपको वो सारी पोस्ट दिखेंगी जो अप्रूवल के लिए गई हुई हैं, और रिजेक्टेड पोस्ट में वो सारी पोस्ट दिखेंगी जो रिजेक्ट हो चुकी हैं। फिर चलते हैं पेमेंट्स में। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट आज तक, यानी कि लाइफ टाइम में आपका कितना टोटल अमाउंट रहा है वो यहाँ पर दिख जाएगा, कितना आपने अर्न किया है।
उसमें से आपने कितना पे आउट करवा लिया है और कितना आपका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर पड़ा है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम अगर आपका जो आपने कुछ पे आउट किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, जो कि डिज़ाइन की टीम बताएगी कि क्या ट्रांजैक्शन आईडी से उन्होंने जो आपके बैंक के अंदर या जो भी है वहाँ पर आपको पे किया है, अमाउंट कितना पे किया उन्होंने, स्टेटस, अप्रूव और डेट टाइम यानी कि कब किया, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ था लास्ट में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स जो यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, जब हो जाए देन सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब बात आती है अगर आपको पोस्ट चढ़ानी हो तो आप कैसे चढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके पास में क्रिएट पोस्ट क्लिक करें इस पर, जैसे ही आप इस पर आते हैं यहाँ पर आपके पास में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। पहला सबसे ऊपर हमारे पास में आता है दैट इज JPG, अदर फाइल्स, देन पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, कीवर्ड्स एंड क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ इतना देख रहे थे कि अगर आप बनना चाहते हैं क्रिएटर तो आपको किस तरीके से आपको क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी होगी, कुछ नहीं, बस आपको वहाँ पर वो चेकबॉक्स क्लियर करना है एंड बी ए क्रिएटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपके उसमें सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपका अगर कुछ अमाउंट बनता है तो एवरी मंथ जो है डिज़ाइन की जो टीम है वो आपको जितना अमाउंट आपका बनता है उतना आपको जो है बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। चलिए तो फिर आज की इस वीडियो के लिए अपन इतना ही करते हैं, और आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि design.tgminfotech.com वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप किस तरीके से जो है यहाँ पर क्रिएटर बन सकते हैं। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, जैसा आप बनना चाहो क्रिएटर जब आप बनना चाहो बन सकते हो। अगर आप क्रिएटर नहीं भी बनो आप सिंपल यूज़र बनकर जो है आराम से जो आप एसेट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।